और खबरों में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ गई, उत्तराखंड के गढ़ मुक्तेश्वर में जो रिसोर्ट है वो किसका है। उन्होंने आगे कहा कि रमन सिंह के दौरा करने से रोक दिया गया है, वह केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, रोज कुछ न कुछ इस प्रकार के बयान दे देते हैं। और नान घोटाले में सीएम चिंतामणि है तो सीएम मैडम कौन है? यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह यह बताएं कि उनको आरोपी क्यों बनाया गया है। और इसके साथ ही आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दौरा करने से तो रोक दिए हैं, वो केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं और रोज कुछ न कुछ इस प्रकार से एक बयान दे देते हैं। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसका उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में वो किसका है?